तू तो बहुत अच्छा नाचता है रे, थैंक यू। कल पीछे की गली में आ जाना, मेरा चौथा बच्चा होने वाला है नाचने के लिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और मैंने रे कल कठिन दिन देखे, और सत्यमेव जयते टूट को देखकर मेरी हालत ऐसी थी। तो हेलो दोस्तों, आपको लग रहा हो कि आज मैं बहुत खुश हूँ? नहीं, उससे भी ज्यादा। स्टार्टिंग में मैंने जो मुद्रा किया है वो किसके लिए किया है? किसके लिए? दुनिया जाननी चाहती है वो किसके लिए किया है? पब्लिक जानना चाहती है? भाई के लिए। भाई के लिए जिंदा भी मरेगा मैं। भाई के कट्टर फैन है, कट्टर भाई इज लव। और भाई के हेटर्स जिनकी जल रही है, दिखाओ पीछे से बहुत धुआं निकल रहा है। जली ना तेरी भी जली ना। उनके फेफड़े मुंह में लाने के लिए मैंने देखी भाई की पिक्चर। पिक्चर का नाम याद क्या था? अंतिम द फाइनल ट्रूथ। देखो दोस्तों, ये मूवी मराठी मूवी की रीमेक है मुंशी पैटर्न, जो कि मैंने देखी है। कमाल मूवी है, कमाल। ये मूवी थी क्राइम गैंगस्टर बेस पे। पर अंतिम की बात करो तो पिक्चर अच्छी है, बट यहाँ पे मुख्य भूमिका में सलमान भाई नहीं है, तो कौन है? ऐश्वर्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे नहीं रे, उनके जीजाजी आयुष शर्मा, जो कि चॉकलेट बॉय से ट्रांसफॉर्म होके अंतिम के संजय दत्त लग रहे। संजू बाबा, अंकल कैसा है तबीयत? हाँ, तो एक टिपिकल गैंगस्टर मूवी कैसे रहती है? एक गुंडा जो कि एक टकलू गैंगस्टर को मार देता है, और उसके जगह पे वो ही शहर का बड़ा गुंडा बन जाता है। भाई भाई भाई, और वो अपने आइटम को पटाने के लिए कैसे कैसे चक्कर करता है। पहला रूल, या तो वो धमकी देगा पटाने के लिए, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। दूसरा रूल, अपना ईगो दिखाएगा, मैं इस शहर का भाई हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, तू मेरी गर्लफ्रेंड है आज से, चल निकल। ओह माय गॉड, टू रूल आउट। ये गर्लफ्रेंड बना रहा है कि निर्मा साबू पे डिस्काउंट दे रहा है। आप दोन। उसी गैंगस्टर का सबसे इमोशनल फैक्टर भी दिखाते हैं, फैमिली। बात करें सलमान भाई के कैरेक्टर की, तो सलमान भाई सिख के रोल कैरेक्टर बहुत जबरा है, पसंद आया मुझे। सलमान भाई मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर है पिक्चर में, पूरे एक घंटे के लिए। भाईजान का कैरेक्टर एकदम रिलैक्स, एकदम फ्री है, मतलब कि जो भी हो रहा है सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। सही कहो तो इस पिक्चर में मुझे भाईजान पसंद है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, भाईजान को लेकर मजाक नहीं। पर तोड़ने की बात आती है तो भाईजान पीछे नहीं हटते, जम के तोड़ते। और राहुल या जो कि आयुष शर्मा है, वो 30-40% मूवी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है आवाज की, ये देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है, इतना अच्छा आवाज आ रहा है। ऐसे ही थिएटर में मुझे आवाज आ रही थी गूंज गूंज के, जब भी आयुष आ रहे थे पूरा गूंज रहा था थिएटर। उसके बाद उसके एक्शन सीन्स, जो कैमरा नीचे से सलमान भाई के नीचे से ऊपर तक, जो फेस, पैसा वसूल। और इसका म्यूजिक, एक भी गाना ढंग का नहीं था, उसका बीजीएम बहुत अच्छा था। कोई तो आएगा, आगे नहीं आता। जो बीजीएम था एकदम दिल दे लेने वाला था, मतलब कि सीटें हिल रही थी। ये शख्स जो कि गुंडा बना था, सही में गुंडा लग रहा था, अपने बीच का गुंडा लग रहा। और ये मूवी एक साइड में बनने जाती है क्राइम ड्रामा, और बन के रह जाती है क्राइम मास एंटरटेनर, जो कि लोगों को ऐसी मूवी पसंद भी। तो मैं कंजूसी नहीं करूंगा, इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार्स। जाओ जियो, ऐश करो। सलमान भाई और आयुष शर्मा के फाइटिंग सीन, ये मूवी के हाईलाइट है, मजा आ गया। टिल देन मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। इतना फास्ट बोला हो तो उतना ही फास्ट में शेयर कीजिएगा ये लिंक, ये वीडियो की लिंक शेयर होनी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा आपके घर तक। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, कोई नया होगा तो उसके घर पर रेड पड़ेगी और मैं ही उसके घर पर सब्सक्राइब करा के जाऊंगा मेरे चैनल को। मैं क्या बोलूं? टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।